हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक और बेहद खूबसूरत और फेमस हिल स्टेशन के बारे में जानेंगे जिसका नाम है पटनी टॉप। जी हाँ, पटनी टॉप जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक बेहद आकर्षक और पॉपुलर हॉलीडे डेस्टिनेशन है। स्नोफॉल और वैली लवर्स लोगों के लिए पटनी टॉप बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। यह नेशनल हाईवे 44 पर जम्मू से श्रीनगर जाते हुए उधमपुर के बाद आता है। तो आइए जानते हैं पटनी टॉप पहुंचने के लिए अच्छा और बेहतर ऑप्शन क्या रहेगा, पटनी टॉप पहुंचने के लिए कितना खर्चा आ सकता है, वह पटनी टॉप में एडवेंचरस एक्टिविटीज क्या क्या कर सकते हैं, साथ ही होटल में स्टे से लेकर सबसे बेस्ट टाइम क्या रहेगा पटनी टॉप घूमने के लिए, जानते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कीजिए ट्रेवल ट्रैकर यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन का बेल आइकन का बटन भी दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पटनी टॉप कैसे पहुंचा जाए। बात करें बाय एयर तो पटनी टॉप का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट जम्मू एयरपोर्ट है। जम्मू एयरपोर्ट से पटनी टॉप की दूरी 115 किलोमीटर है और एयरपोर्ट से टैक्सी द्वारा आप पटनी टॉप पहुंच सकते हैं, जिसका किराया 3000 से लेकर 3200 रुपये के करीब होता है। वहीं अगर बात करें ट्रेन द्वारा जाने की तो उधमपुर रेलवे स्टेशन पटनी टॉप का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जहां से पटनी टॉप की दूरी लगभग 46 किलोमीटर है। उधमपुर रेलवे स्टेशन से पटनी टॉप जाने के लिए बस और टैक्सी दोनों तरह के ऑप्शन अवेलेबल हैं। उधमपुर से पटनी टॉप का प्राइवेट टैक्सी का किराया लगभग 1200 रुपये से लेकर 1500 रुपये और बस का किराया लगभग 80 से 90 रुपये के आसपास है। दोस्तों, कटरा से पटनी टॉप की दूरी 85 किलोमीटर है, इसलिए पटनी टॉप आने वाले अधिकतर टूरिस्ट श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वाले टूरिस्ट होते हैं, जो माता के दर्शनों के बाद पटनी टॉप घूमने जाते हैं, इसलिए पटनी टॉप जाने के लिए कटरा एक और ऑप्शन है। यहाँ अगर आप पटनी टॉप को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप कटरा से प्राइवेट टैक्सी का पैकेज ले सकते हैं, जो लगभग 3500 से 4000 रुपये होता है। इसमें आप एक दिन का पटनी टॉप में स्टे करके और आसपास की जगहों को एक्सप्लोर करके नेक्स्ट डे वापस आ सकते हैं। इसमें केवल टैक्सी से जाना और नेक्स्ट डे वापस आना शामिल होता है। होटल में स्टे का खर्चा आपको वहन करना होगा। वहीं कटरा से पटनी टॉप सेम डे विजिट करने का टैक्सी का किराया 2000 से 2200 रुपये है। इसके अलावा शेयरिंग टेम्पो ट्रेवलर का वन डे विजिट का किराया लगभग 500 रुपये प्रति व्यक्ति का होता है। आप चाहें तो बस द्वारा कटरा से उधमपुर, फिर वहां से बस द्वारा भी पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। कटरा से पटनी टॉप जाने के लिए दोनों बसों के किराए में आपको कुल खर्च 100 से 120 आएगा। आप अपने शेड्यूल और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग टूर प्लान कर सकते हैं। वैसे अधिकतर टूरिस्ट कटरा से सिर्फ एक दिन में ही पटनी टॉप को विजिट करके वापस कटरा या फिर जम्मू आ जाते हैं। बात करें दिल्ली या आसपास के स्टेट से डायरेक्ट बस द्वारा पटनी टॉप जाने की तो पटनी टॉप जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है। बसें या वॉल्वो आपको जम्मू या फिर कटरा के लिए ही मिलेंगी। वहां पहुंचने के बाद आप पटनी टॉप जा सकते हैं। बात करें बाई रोड पटनी टॉप पहुंचने की तो दिल्ली से पटनी टॉप की दूरी लगभग 655 किलोमीटर है और करनाल, अम्बाला, पठानकोट व उधमपुर होते हुए कार द्वारा पटनी टॉप पहुँचा जा सकता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ लेते हुए और जर्नी एंजॉय करते हुए कार द्वारा पटनी टॉप पहुंच सकते हैं। दोस्तों, पटनी टॉप पहुंचने के बाद आपको यहां हर प्रकार के होटल मिल जाएंगे, जिनकी कीमत लगभग 1500 रुपये से शुरू होकर 4 से 5000 रुपये तक आपको देखने को मिलेगी। आप अपने बजट और कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होटल का चुनाव कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छे विकल्प आपको इंटरनेट या फिर ट्रेवल ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं और होटल्स की सारी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं, जैसे होटल्स के रिव्यूज, स्टार रेटिंग्स, होटल की डिस्टेंस, रूम्स का किराया और होटल्स की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं। दोस्तों, अब बात करते हैं पटनी टॉप और इसके आसपास घूमने वाली जगहों के बारे में जहां आप विजिट कर सकते हैं। नंबर वन, पटनी टॉप। पटनी टॉप बेहद ही शांत और सुंदर पर्यटन स्थल है। देवदार के घने पेड़ों और घुमावदार रास्तों के बीच बसा पटनी टॉप टूरिस्टों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। अगर आपको बर्फ पसंद है और स्नोफॉल एंजॉय करना चाहते हैं
तो आप बेझिझक पटनी टॉप की ट्रिप पर जा सकते हैं। विंटर सीजन में यहाँ जमकर स्नोफॉल होता है। पटनी टॉप में ठंडे पानी के 3 झरने भी हैं और एडवेंचर लवर्स लोगों के लिए पटनी टॉप में स्कीइंग और पैराग्लाइडिंग का भी विकल्प मौजूद है। खासतौर सर्दियों में पर्यटक यहाँ स्कीइंग का मजा लेने ज्यादा पहुँचते हैं। पटनी टॉप में आप अन्य एक्टिविटीज जैसे गोल्फ, एरो स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी और हॉर्स राइडिंग का भी आनंद ले सकते हैं। कुल मिलाकर अगर जम्मू आए तो पटनी टॉप की यात्रा पर जरूर जाएं। नंबर 2, नत्था टॉप। पटनी टॉप की सबसे खूबसूरत हिल्स में से एक है नत्था टॉप। अपने नाम की ही तरह ये यहाँ की सबसे ऊंचे हिल्स के लिए जाना जाता है। ये पटनी टॉप से लगभग 8 किलोमीटर दूर और 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सर्दियों में यहाँ का नज़ारा देखने लायक होता है। ये हिल्स इतनी ऊंची हैं कि आप यहाँ से हिमालय और शिवालिक की कई पर्वत श्रृंखलाओं के दर्शन भी कर सकते हैं, जिनमें अर्जुन और किश्तवाड़ माउंटेन्स शामिल हैं। साथ ही आप यहाँ कई बर्फ के खेलों का भी आनंद ले सकते हैं। नत्था टॉप पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध स्थान है। नंबर 3, माधव टॉप। माधव टॉप भी पटनी टॉप की खूबसूरत हिल्स में से एक है, जो पटनी टॉप से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस हिल्स पर भी आपको ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिलेंगे। यहाँ भी चारों तरफ बर्फ से लदे पहाड़, पठार और मैदान मौजूद हैं। आप यहाँ पर स्नोफॉल के साथ कई एडवेंचरस एक्टिविटीज का भी लुत्फ उठा सकते हैं। नंबर 4, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। यदि आप भारत की सबसे लंबी टनल को देखना चाहते हैं तो आपको पटनी टॉप आना होगा। यह भारत की सबसे लंबी रोड टनल है, जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। यह देश की पहली पूरी तरह से इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम वाली टनल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल को चेनानी नाशरी और पटनी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये सुरंग बेहद लंबी है, जो जम्मू और कश्मीर के बीच नेशनल हाईवे 44 पर बनी हुई है। तो आप जब भी पटनी टॉप जाएं तो इस सुरंग को देखना ना भूलें। इस टनल के बनने के बाद जम्मू और कश्मीर की दूरी 31 किलोमीटर कम रह गई है। नंबर 5, नाग मंदिर। पहाड़ की चोटी पर स्थित नाग मंदिर को पटनी टॉप के सबसे पुराने मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका अधिकांश भाग लकड़ी से बना है और ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 600 साल पुराना है। ये मंदिर चारों तरफ से सुंदर पहाड़ों और घाटियों से घिरा हुआ है। नाग मंदिर पटनी टॉप के विशेष अट्रैक्शंस में से एक है। नंबर 6, सांसार लेक। सांसार लेक पटनी टॉप से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर्यटक रॉक क्लाइंबिंग, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बलून राइड्स आदि जैसे एडवेंचरस एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। घाटियों और खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा ये स्थान बेहद ही सुंदर है। सना और सार नाम के दो गांव के नाम से मिलकर ही सनासार का नाम पड़ा। इसके अलावा आप पटनी टॉप से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बैटोट नामक एक छोटे से शहर में भी विजिट कर सकते हैं। ये शहर राजमा की अच्छी क्वालिटी के लिए काफी मशहूर है। इसके अलावा कुद और बुद्ध अमरनाथ मंदिर आदि जगहों पर भी विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें पटनी टॉप में विजिट करने के सबसे अच्छे समय के बारे में, तो पटनी टॉप का मौसम साल भर अच्छा रहता है और आप साल में किसी भी समय पटनी टॉप विजिट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यदि आप यहां के वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं तो मार्च से जून और सितंबर व अक्टूबर के समय में आप यहां आ सकते हैं। इस समय यहां का मौसम पर्यटकों के अनुकूल होता है। लेकिन यदि आप यहां की बर्फ को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप दिसंबर से फरवरी के समय यहां आ सकते हैं और स्नोफॉल का आनंद ले सकते हैं। दिसंबर से फरवरी के बीच यहां स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग और ट्रैकिंग जैसे कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स आयोजित होते हैं, तब यहां ज्यादा संख्या में पर्यटक आते हैं। बाकी लैंडस्लाइड और बारिश से बचने के लिए मानसून के समय को छोड़कर किसी भी समय आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी पटनी टॉप के बारे में पूरी जानकारी। इसके अलावा आपका पटनी टॉप ट्रिप को लेकर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें।